मधुमक्खी इस संसार की बहुत ही अद्भुत प्राणी है। प्रकृति की उस अनूठी कृति को देखिए जो हमें जीवन के कुछ सबसे सुंदर सबक सिखाती है। पहला सबक, ये एक फूल से दूसरे फूल की ओर चलती है, निरंतर गतिशील रहती है। ये कभी भी एक जगह पर ठहरती नहीं है, कभी स्थिर नहीं होती। फूलों से इसे प्यार होता है पर आसक्ति नहीं, ये स्वतंत्र बनी रहती है। यही एक साधक का भी मार्ग है, सभी आसक्तियों से पूर्णता मुक्त रहना। मधुमक्खी कभी भी स्वामित्व भावना से ग्रस्त नहीं होती, ये कभी भी मधुमक्खियों से युद्ध नहीं करती। तुम मेरे फूल पर क्यों आई, इसके विपरीत जैसे कि मधुमक्खियों को सुंदर फूल रस से भरपूर मिलते हैं, वे अपने समुदाय को सूचित करने वापस जाती हैं। वैज्ञानिकों ने अब खोज निकाला है कि मधुमक्खियों की एक विशेष भाषा होती है, कम से कम 4 शब्दों का पता चला है जिन्हें डिकोड किया गया है, और ये सुनिश्चित है कि वे 4 शब्दों का उपयोग करती हैं। ये शब्द भाषा में नहीं उतारे जा सकते, ये इशारे हैं। जब एक मधुमक्खी फूलों की खोज करती है तो वह इस तथ्य को छुपाती नहीं है, जैसे आदमी का मन काम करता है, यदि तुम्हें खजाना मिल जाए तो तुम इसे छिपाओगे, इसकी बात तक नहीं उठाओगे। इसे छिपाने के बजाय, इसे अपने लिए रखने के बजाय, मधुमक्खी घर को वापस तोड़ती है समुदाय में। मधुमक्खियाँ समुदायों में रहती हैं, हजारों मधुमक्खियाँ एक साथ एक हनीकॉम्ब में, और ये एक विशेष नृत्य शुरू करती हैं जो पहला संकेत होता है। जब मधुमक्खियाँ एक निश्चित नृत्य करती हैं तो सभी मधुमक्खियाँ जान जाती हैं कि उसने कुछ खोजा है। ऐसा है जैसे वह कह रही हूँ, यूरेका यूरेका, मैंने पा लिया मैंने पा लिया। और फिर नृत्य के बाद ये चलना शुरू करती हैं और पूरा मधुमक्खी का समूह पीछे पीछे आता है। ये गैर स्वामित्व वाली होती हैं और ये सभी प्रकार के फूलों, सभी रंगों, सभी सुगंधों को जानती हैं, इसलिए ये अपने अनुभव से अधिक समृद्ध होती जाती हैं। और अंत में मधुमक्खी का एक महत्वपूर्ण गुण ये है, ये फूल का रस लेती है लेकिन इसे कभी नष्ट नहीं करती। ये इतनी कलात्मक होती है कि फूल को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती। ये कभी हिंसक नहीं होती, ये मानव जैसी नहीं होती। जिस क्षण तुम्हें एक फूल पसंद आया तुम उसे तुरंत तोड़ लेते हो, तुम्हारा प्यार विनाशकारी लगता है। ये प्यार है या इसको हिंसा कहें, ये कहीं ना कहीं प्यार के नाम पर छिपी हुई नफरत है। लर्न टू बी अ ब्लेस्ड बी, एक आनंदमय मधुमक्खी बनो। अनासक्त, सदैव गतिशील और गैर स्वामित्व वाले जीवन के सभी पहलुओं को जीवित रखते हुए, इंद्रधनुष के सभी रंगों को, संगीत के सभी स्वरों को अनुभव करते हुए, और कभी विनाशकारी ना बनो, सृजनात्मक बनो। सृजनात्मक व्यक्ति एक दिव्य व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति होता है। अपने जीवन में इन सुंदर गुणों को अपनाओ और एक बेहतर, अधिक सृजनात्मक और अधिक स्वतंत्र विश्व की ओर अग्रसर हो। प्रणाम।